नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। देश भर में आज अटल जी को याद किया जा रहा है। ग्वालियर में भी कमल सिंह का बाग स्थित अटल जी के पैतृक निवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और आम लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर श्रद्धांजलि देने आए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अटल जी के आदर्श पर चलने की शपथ ली। श्रद्धेय अटल जी को स्मरण करने के लिए उनकी तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। भारत रत्न ग्वालियर के महान सचिव अटल जी ने एक ऐसी सरकार चला करके सब दुनिया को संदेश दिया कि बहुमत की सरकार न होते हुए भी अनेकों दल मिल करके सबको साथ लेकर के किस तरह देश को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बहुत अनूठा उदाहरण श्रद्धेय अटल जी ने प्रस्तुत किया था। उनकी सरकार ने जो काम प्रारंभ किए, आज उन्हीं कामों के कारण आज हम तेजी से अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। सुशासन की बात अटल जी ने की थी, माननीय मोदी जी भी उसी धागे को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे गरीबों की बात हो, पिछड़े वर्ग की बात हो, अनुसूचित जाति वर्ग की बात हो, प्रत्येक वर्ग का उत्थान, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब माननीय मोदी जी ने और जोड़ा है सबका प्रयास, ये श्रद्धेय अटल जी के प्रयासों का ही फल है कि आज हम इस स्थिति में हैं कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सक्षम भी हैं, संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फिर एक बार मेरी ओर से, ग्वालियरवासियों की ओर से, हम सब कार्यकर्ताओं की ओर से श्रद्धेय अटल जी के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम कहेंगे राजनीतिक आजाद शत्रु, और हम सबको एक मार्ग दिखाने वाले, पूरे समाज को नई दिशा देने वाले हमारे श्रद्धेय अटल जी की आज पुण्यतिथि है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको पुष्पांजलि अर्पित करने आए हैं और कहीं ना कहीं मन में संकल्प लेकर जा रहे हैं कि जो रास्ता उन्होंने समरसता का दिखाया था, जिस प्रकार से उनकी कार्यशैली थी, जिस प्रकार से वो सबको अपना बना लेते थे, ऐसे ही रास्ते पर पूरे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता चलेंगे और एक नए समाज का निर्माण करेंगे।